दोस्तों ये वो बावड़ी है जो राजगढ़ कस्बे के बीचों बीच स्थित है और इसकी चार छतरियां हैं। इसके अंदर चारों तरफ से सीढ़ियां बनी हुई हैं और बहुत सुंदर प्यारी स्टेप वेल बावड़ी है। पक्षियों की चहचहाहट, पक्षियों का कलरव, बहुत मज़ेदार मस्ती करते हुए पक्षियों की आवाज़, देखिए बहुत मस्त और प्यारी जगह है। हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट जगह है, चलते हैं और बताते हैं उस जगह पे जाकर के। इससे पहले वाले व्लॉगों में मैंने आपको दिखाया था गोविंद देव जी का मंदिर, मतलब राधा कृष्ण जी का मंदिर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये बहुत ही सुंदर मस्त बना हुआ मंदिर है जो आपने पिछले व्लॉग में देखा था। और वो व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट भी किया दोस्तों, कमेंट करके बताना ज़रूर। बहुत प्यारा व्लॉग है, बहुत प्यारा मंदिर है और बहुत पुराना, राजाओं के टाइम के से भी पहले का बना हुआ मंदिर है। तो दोस्तों चलते हैं उस जगह जिसके लिए हम राजगढ़ आए हुए हैं और यहाँ है कुंड मोहल्ला। कुंड मोहल्ले में, जिसको यहाँ सभी लोग कुंड बोलते हैं, वास्तविकता में तो वो एक बावड़ी है और वो भी ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, बहुत पुरानी बावड़ी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुंड मोहल्ले के यहाँ पर इस बावड़ी के गेट के पास मैं पहुँच चुका हूँ। बावड़ी का गेट बंद है, दो गेट हैं इधर और एक जस्ट इसके सामने है। तो मैं आपको बाहर बाहर से दिखाता हूँ, तो देखें रैन तक बने रहें। तो ये वो बावड़ी है जिसको स्टेप वेल बोलते हैं, तो देखिए दोस्तों ये बहुत पुरानी बावड़ी है। तो इसी बावड़ी से यहाँ कस्बे वाले पानी पीते थे, कोई शिलालेख तो नहीं मिला इसका, राजाओं के टाइम पर। और बहुत गहरी बावड़ी है, देखो बावड़ी के बीच में पेड़ लगा हुआ है, क्योंकि साफ सफाई तो है नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर और मस्त बावड़ी है। इस बावड़ी के अंदर चार छतरियाँ हैं, बहुत पुरानी, देख लीजिए आप। चारों तरफ से स्टेप हैं और गंदगी है नहीं, पेड़ पौधे छोटे मोटे उगे हुए हैं तो इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन है पूरा कस्बे के बीच में, चारों तरफ मोहल्ला है और इस मोहल्ले को कुंड मोहल्ला बोलते हैं राजगढ़ में। बहुत ही प्यारा और सुंदर स्टेप वेल है, कभी मौका मिले तो दोस्तों आएँ। ये अलवर से 50 किलोमीटर मेगा हाईवे पर राजगढ़ पड़ता है, वहाँ राजगढ़ कस्बे में पड़ती है ये बावड़ी। और यहाँ देखने के लिए पास में फोर्ट है, किला है और एक भूरेसिद्ध का मंदिर है, झरना धाम है और हिल्स हैं, बहुत ज़बरदस्त हरियाली छाई हुई है। तो बहुत प्यारे प्यारे जगह हैं देखने के लिए, दोस्तों आए यहाँ और देखें, एंजॉयमेंट लें और अब आप देखते रहें। बावड़ी की वजह से इस मोहल्ले को कुंड मोहल्ला बोलते हैं, राजगढ़ कस्बे का मोहल्ला है ये, और इसी की वजह से इसको कुंड मोहल्ला बोलते हैं। इसके पास में एक प्राथमिक विद्यालय खुला हुआ है बच्चों का, ये देखिए। इसका व्यू ऐसा लगता है, देखिए दोस्तों, मज़ा आया ना? हाँ, मुझे उम्मीद है ज़रूर आया होगा, तो कमेंट करके बताना हाँ दोस्तों। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बावड़ी का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्यों दोस्तों। और प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर किया करो, वीडियो को शेयर किया करो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।